किसान एग्रो सलीम एग्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम लिखते हैं भैया? गुलाब पटेल, ग्राम कनेटी, पोस्ट अर्जुनी, चासी शक्ति, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। जी, तो आपने कितने एकड़ में खेती किया है धान? 15 एकड़। तो आपने भूरा माहो के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज किया था? नदाल। हाँ, तो मतलब आपने अपने 15 एकड़ पूरे खेत में नदाल स्प्रे किया था। हाँ, तो उसका रिजल्ट कैसा था? बहुत बेहतरीन था। एक बार छींचने के बाद दूसरा छींचने छिड़काव करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ा। हाँ, तो आप भूरा माहो लगा था उस टाइम डाले थे कि भूरा माहो नहीं लगा था उससे पहले एडवांस में डाले थे? थोड़ा बहुत लग गया था भूरा माहो। मतलब कुछ खेत में भूरा माहो था और कुछ खेत में भूरा माहो नहीं था, तो जिस खेत में भूरा माहो नहीं था उसमें पहले से भूरा माहो ना लगे करके आपने डाला था? हाँ, छिड़काव किया था वैसे। हाँ, तो मतलब कि भूरा माहो के लिए जो नदाल, आपने अपने खेत में कुल कितने बार नदाल स्प्रे किया है अभी? एक ही बार। मतलब एक खेत में एक ही बार नदाल स्प्रे किया हुआ है। हाँ, दोबारा उसमें भूरा माहो के लिए कोई भी दवा डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी? नहीं पड़ा है, नदाल छींचने के बाद आवश्यकता नहीं पड़ा है। और पिछले साल आप भूरा माहो के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज किए थे? 5-6 बार सींचा था पिछले साल। बहुत परेशान हो गया था मैं तो, और इस बार नहीं हुआ। मतलब भूरा माहो के लिए पिछले साल दवा डाल डाल कर आप परेशान हो चुके थे, फिर भी आपका मतलब बहुत ही बार एक खेत में आपने स्प्रे किया और उसमें दोबारा स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है? नहीं सर, नहीं पड़ा है। इसके बाद मैं परेशान हो गया था कौन सा दवाई छींचूं करके। हाँ, नदाल छींचने के बाद बहुत खुश हूँ मैं। अगले बार सब खेत में ही पहले से स्टार्ट कर दूंगा सीखने के लिए। हाँ, तो आप अपने किसान भाइयों को कुछ कहना चाहेंगे? ये मस्त दवाई है, इसको छिड़काव करके एक बार देखिए, आप लोग हमेशा के लिए खुश भी रहोगे। जी, आपका मोबाइल नंबर बोलेंगे? 8120567639। थोड़ा देर है, धीरे धीरे धीरे। 8120567639। जी, थैंक यू, धन्यवाद सर। इसमें कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, नदाल छींचने के बाद लगा नहीं है। नदाल छींचने के बाद दूसरी दवाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ी? हाँ, और दूसरे बार नदाल भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको? नहीं। तो थोड़ा सा अंदर खोल के दिखाइए आपका ये कुछ दिखता है क्या? माहू है क्या? कुछ नहीं है, पूरा क्लियर है, नहीं, नहीं। साफ है अभी तक, यानी कि एक ही बार आपने इस नदाल को छींचा है? हाँ, स्प्रे किया है एक ही बार? एक ही बार किया हूँ। तो लास्ट तक इसमें नहीं आया है? हाँ। और बगल वाले जिन्होंने नदाल नहीं छींचा उनका क्या हाल है? उसमें लगा है बहुत ज्यादा, देखो। एक मिनट, वो 5 बार छिड़काव कर चुके हैं ये 5 बार। हाँ, फिर भी पूरा निकला नहीं है? नहीं निकला। हाँ, देखो भाई, इस प्लॉट में जो है नदाल छींचा नहीं है, सामने स्प्रेइंग नहीं हुआ है, तो इसमें भूरा माहो है। हम जाके दूसरे के खेत में देखेंगे नहीं, बस ये। और इसमें इससे जो है ना ये बहुत तगड़ा आया है, आप देख सकते हैं, देखो कितना फसल ऊंचा आया है इसका। आपको अंदाज़ा इधर यहाँ जहाँ पे गिरी है फसल वहाँ पे आपके समझ में आएगा। थोड़ा मैं उधर हो लेता, ये देखो यहाँ पे समझ में आएगा कि कितना हाइटेड हो गया ये गिरा हुआ है। तो यहाँ से ये ज़मीन यहाँ है, तो इस हिसाब से ऊपर ये प्लॉट देख सकते हैं आप, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है इनको, किसान बहुत खुश हुआ है। और अभी समर में भी लगाने वाले हैं ना? हाँ हाँ, रबी रबी फसल में लगाएंगे, पूरा पूरा नदाल ही लगाएंगे। नदाल ही। ओके, धन्यवाद साहब। ये देखो, जैसे इसमें 4 या 5 बार स्प्रे किया है करके बोला है इन्होंने, तो फिर भी इसमें जो है ये देखो यहाँ जला हुआ दिखता है थोड़ा। मैं मोबाइल पे अंदर नहीं जा सकता, गीला है, तो खींच के दिखा। तो हाँ, ये देखो यहाँ पे जला हुआ है, तो यहाँ पे भूरा माहो लगा है फिर भी। ये देखो यहाँ पे भी लगा है, ये नीचे गिर गया है ना उधर, वो वहाँ पे देखो बड़ा खड्डा है। हाँ, आ रहा है क्या कैमरा में? तो आगे होके देखो, ये वाला ये देखो यहाँ पे भूरा माहो लगा है। तो ये 5 बार इधर छिड़काव किया है किसी दूसरी कंपनी की दवा का,
फिर भी यहाँ से भूरा माऊ हटा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है। भाई एक ही बार स्प्रे किया है इस प्लॉट में, जहाँ पे हम किसान का भी वीडियो बनाए हैं ना, तो इस प्लॉट में आप देखते हैं कि कहीं पर भी आपको भूरा माहू लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। भूरा माहू BPH।